सांसद खेल स्पर्धा का दूसरा दिन खिलाड़ियों के लिए विशेष दिन रहा। उनके बीच विश्व कप विजेता टीम के सदस्य अर्जुन अवार्डी, भारतीय हॉकी टीम के पूर्व कप्तान अशोक कुमार ध्यानचंद और सुबोध खांडेकर एकलव्य स्टेडियम पहुंचे थे। स्टेडियम में इस लेजेंडरी हॉकी प्लेयर का जोरदार स्वागत किया गया। एकलव्य स्पोर्ट्स स्टेडियम में सांसद खेल स्पर्धा के अंतर्गत भाग लेने आए हॉकी सहित अन्य खेलों के खिलाड़ियों के लिए शुक्रवार का दिन यादगार बन गया। हॉकी खिलाड़ियों के लिए ये दिन कभी नहीं भूलने वाला रहा, क्योंकि उनके रोल मॉडल हॉकी विश्व कप विजेता टीम के सदस्य अशोक ध्यानचंद और मशहूर अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी सुबोध खांडेकर उनका हौसला बढ़ाने के लिए इन खिलाड़ियों के बीच में थे। जैसे ही ये दोनों खिलाड़ी स्टेडियम पहुंचे तो उनको हॉकी की स्टिक की छत बनाकर गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इन दोनों ही खिलाड़ियों का केंद्रीय मंत्री ने स्वागत किया। हॉकी खिलाड़ी भी लीजेंडरी खिलाड़ियों को अपने बीच पाकर बेहद उत्साहित दिखाई दिए। इस दौरान स्टेडियम की एस्ट्रोटर्फ पर मेंस और वीमेंस हॉकी मैच भी खेले गए। इन दोनों ही खिलाड़ियों के खेल की केंद्रीय मंत्री ने तारीफ की। आपको बता दें कि हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के बेटे अशोक कुमार विश्व कप विजेता टीम के सदस्य रहे हैं। उन्हीं के एकमात्र गोल से भारत 47 साल पहले 1975 में हॉकी विश्व कप जीता था। अशोक कुमार 1971 हॉकी विश्व कप में कांस्य पदक, 1973 विश्व कप में सिल्वर और 1975 विश्व कप में गोल्ड जीतने वाली टीम के सदस्य रहे हैं। इसके साथ ही उनके नाम एशियाड में 3 सिल्वर और 1972 म्यूनिख ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीतने का रिकॉर्ड है। उन्हें 1974 में अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया था। वे 2 बार विश्व एकादश में स्थान बनाने में सफल रहे। उन्होंने हॉकी के जादूगर अपने पिता मेजर ध्यानचंद और अपने चाचा कैप्टन रूप सिंह के स्टारडम की छाया से बाहर निकलकर अपना एक नया मुकाम और नाम हासिल किया। अशोक ध्यानचंद का आगरा से गहरा नाता रहा है। वे यहाँ कई टूर्नामेंट में खेलने के लिए आ चुके हैं। वहीं झांसी के सुबोध खांडेकर उस समय भारतीय हॉकी टीम का हिस्सा बने जब भारतीय हॉकी अपने सबसे खराब दौर से गुजर रही थी। इन दोनों ही खिलाड़ियों ने हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद को भारत रत्न देने की मांग तो उठाई ही, इसके साथ ही इन दोनों ही खिलाड़ियों ने उड़ीसा में आयोजित हॉकी विश्व कप में भारत के पोडियम पर खड़े होने की उम्मीद भी जताई। मैदान पर खेल रहे खिलाड़ियों का परिचय प्राप्त कर इन दोनों ही खिलाड़ियों ने अथक मेहनत और फिटनेस के साथ स्किल सुधार के लिए निरंतर अभ्यास करने का मंत्र दिया। इन लीजेंडरी खिलाड़ियों ने इन उदयमान खिलाड़ियों से कहा कि उनका सपना ओलंपिक खेलना होना चाहिए। उन्होंने आगरा में आयोजित सांसद खेल स्पर्धा की तारीफ की और सम्मान देने के लिए केंद्रीय मंत्री का आभार जताया। विजय बघेल, सी न्यूज़ आगरा।